पत्रिका है और इतने अच्छे लेख हैं। हालांकि पत्रिका अपने इस रूप में मुझे अभी मिली, लेकिन मैंने पीडीएफ में इसके कुछ वो देखे थे और मुझे बहुत अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस पत्रिका का विमोचन मेरे हाथ में हो रहा है। और खासकर तब, मतलब कि मैं बाबूजी के सामने, राजब जी के सामने, गोपाल शर्मा जी के सामने, राकेश शर्मा जी के सामने, मैं वाकई बहुत, मतलब पद में भी छोटी हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ और अनुभव में भी छोटी हूँ, तो लेकिन मैं शायद इसलिए मैं ना नहीं कर सकी क्योंकि पत्रिका इतनी अच्छी है, इसके लेख इतने अच्छे हैं, इसके लेखिकाएँ इतनी अच्छी हैं। और मैं हालांकि लिखा है तो डरिएगा मत बागेश जी, लिखा है उतना नहीं बोलूँगी। ये अक्टूबर अंक है और स्त्री शक्ति का वंदन किया गया है। परिधि में आकाश, इतना खूबसूरत शीर्षक दिया गया है कि परिधि में रहते हुए भी आकाश वामा ले ले रही है। हालांकि मुझे एक बात लगती है कि हम बार बार स्त्री विमर्श की बात क्यों करते हैं, क्योंकि टेढ़ी ईशा ने अपने संपादकीय में भी बात की है मीराबाई की, झांसी की रानी की, सावित्री बाई फुले जैसी प्रगतिशील महिलाओं की जो उस समय धारा के विरुद्ध चलने की हिम्मत रखती थी। और तब लेकिन हमको क्यों बार बार ये बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि स्त्री विमर्श हो रहा है, स्त्री विमर्श हो रहा है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं एक वर्ग महिलाओं का भी और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी उसे वापस दायरे में खींचता है। पर एक हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वही पुरुषों का वर्ग ही था, राजा राममोहन राय जैसे लोग थे जिन्होंने की समाज दिशा में स्त्री को एक इसके लिए बहुत काम भी किया था। तो हम ये कहकर कि कभी नकार नहीं सकते कि स्त्री विमर्श कहीं महिलाओं का ही काम है, क्योंकि यहाँ पुरुष संपादक हैं, पुरुष परामर्श संपादक हैं, अतिथि संपादक जरूर महिला हैं, लेकिन वाकई बहुत ही खूबसूरत पत्रिका है और ये सहेज कर रखने लायक हिस्टोरिकल पत्रिका है। और जबकि मैं ये मानती हूँ कि मल्टीटास्क महिलाएं अपना बहुत ज़्यादा सिद्ध करती जा रही हैं, तेजी जी ने संपादकीय में जो लिखा है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आत्मविश्वास से लबरेज परिधि, ये उनका शीर्षक है। तो स्त्री अस्मिता के नए आयाम करती है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ क्या ये मूल्य आए नहीं है, मूल्य आ चुके हैं। हासिल करने के लिए लड़ाई बार बार हमें लड़नी पड़ रही है। इसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगी, मृदुला गर्ग जी जैसे ऐसी लेखिकाएं हैं। सबसे पहला लेख मृदुला गर्ग जी का है कि और वो अपने लेखन में बहुत सी लेखिकाओं के लेखन की बात करती हैं और मातृत्व के व्यापक रूप का चित्रण करती हैं। सीमा झा जो कि दैनिक जागरण में वरिष्ठ संवाददाता हैं, महिला विमर्श पर लगातार लेखन कर रही हैं, अपने लेखन के जरिए ये प्रश्न उठाती हैं कि शक्ति का सशक्तिकरण क्यों। सहारा समय से जुड़ी मनीषा अपने लेख से स्त्री में से भयभीत देवतागण, शीर्षक इतना अच्छा है कि स्त्री शक्ति से भयभीत देवतागण, उसमें वो स्त्री की देह की तथा कथित शुद्धता की बात उठाती हैं। तो साखी के संपादक आरती नदिया के तीरे तीरे में स्मृतियों के थान में कितना कुछ लपेटते हुए अपनी पहचान टटोलती हैं। यायावरी जीवन से रूबरू होने वाली मीनाक्षी झा सपनों की भीड़ से सपने चुराती हैं, लेकिन एक बात ये भी बताती है कि उनका लाइफ पार्टनर ऐसा है जो उनके सपनों को सजाने में मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद जब अगर दोनों मिल जाते हैं तो स्त्री विमर्श बहुत अच्छा हो जाता है, सकारात्मक दिशा में चलता है। कात्यायनी ने बदलाव विद्रोह से शुरू में कुछ प्रश्न उठाए हैं कि क्यों सेहतमंद सास के पैर दबाना गुलामी है। तो सेहतमंद सास हो तो पैर ना दबाएं, सास सेहतमंद ना हो तो पैर दबाए जा सकते हैं। और क्यों आज भी बेटी के जन्म में बहुत लोगों के चेहरे मुरझाते हैं और माहवारी को क्यों रोग समझा जाता है। रेखा कस्तावर कहती है स्त्री साथ साथ चलती है मेरी, ये कहती हुई कि रचना की को का कोई लिंग नहीं होता, क्योंकि हम बांट देते हैं महिला लेखन पुरुष लेखन, अक्सर ऐसा होता है। और नैया का लेख अबिलाओं पे इंसाफ की आत्मकथा बताते हुए और जो कि पुरुष ने लिखा है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है। इस पत्रिका के अजय वकील और पंकज पराशर की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो दो पुरुष लेखक हैं, अब यहाँ पर लिंग भेद मैं कर रही हूँ, कि जिन्होंने वाकई बहुत अच्छी बात करी है स्त्री सशक्तिकरण पर। विपिन चौधरी की जो उन्होंने एलिस वॉकर की कविता की पंक्ति अनुवाद किया है, सिर्फ दो लाइन बोलूंगी, मैं कुछ और चाहती हूँ, स्त्री कह रही है कि मैं कुछ और चाहती हूँ, एक बिल्कुल अलग व्यवस्था जो सदियों से पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखी। तो हम चाहते हैं कि वो व्यवस्था आए, बार बार स्त्री विमर्श हमें ना करना पड़े। और खास करके राकेश जी आपने जो आर्ट एंड हार्ट फाउंडेशन के जो चित्र लिए हैं हर कहानी का वो करने के लिए, बहुत ही खूबसूरत है वो चित्र,
और लेकिन मैं इस मंच से एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये तकलीफ भी लगती है कि जब हम स्त्री विमर्श की बात करें तो कुछ महिलाएं ही इस तरह के काम करती हैं जो उन्हें जो अधिकार मिल रहे हैं उनका दुरुपयोग भी करती हैं। जैसे कि एक पुरुष के साथ वो रह रही है, 5 साल के बाद कहती हैं कि वो उसका रेप कर रहा है, या ऐसे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। तो महिलाओं को अगर हम अधिकार मिल रहे हैं तो हम कहीं ऐसा काम ना करें कि वापस उन्हें आकाश में से खींच कर परिधि के दायरे में समेट दिया जाए। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सबको, और आप सब ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, ये मेरी हिस्टोरिकल डायरी में लिख जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कम बोला ना मैंने? बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद तो आपको देना ही पड़ेगा। आपसे जो उम्मीद थी उससे कई गुना अच्छा बोला और कई गुना छोटा बोला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसा ही करती रहें और मुझे मंच का संचालन जरूर देती रहें। मेरे पास एक लंबी सी सूची है और ये सूची बहुत सोच समझ के बनाई गई है। कई दिन विचार करने के बाद, विमर्श करने के बाद, लगातार चर्चा परिचर्चा के बाद हमने मुंबई के कुछ नामों को चुना है जिनको सम्मानित किया जाना है। गंभीर समाचार कोलकाता की पत्रिका है, इसकी तरफ से ये सम्मान दिया जाना है। भाई अजय मोहता जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, राकेश श्रीमाल जी ने उनका वजन आधा किया है, कुछ सामान उन्होंने उठाया है, कुछ सामान मोहता जी ने उठाया है, क्योंकि उनको कोलकाता पे ज़्यादा भरोसा है। कोलकाता हिंदी वालों का गढ़ है, एक ज़माने से हिंदी का वर्चस्व वहाँ पर रहा है, और उन्हें लगा कि जब हम मुंबई को सम्मानित करने जा रहे हैं तो क्यों ना कोलकाता की कुछ चीज़ों को लेकर के जाएं। तो बड़ी मेहनत से, बहुत मशक्क़त से वो वहाँ से कुछ लेकर के आए हैं आपके सम्मान के लिए, आपकी स्मृतियों के लिए। मेरे पास जो सूची है उसमें मेरे आदरणीय नंद किशोर नौटियाल जी हैं जिनको सम्मानित किया जाना है, अनुराग त्रिपाठी जी हैं, सुलभा कोरे जी हैं, कुसुम त्रिपाठी जी हैं, विवेक अग्रवाल हैं, और अलका जी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, सफदर स्वामी जी हैं, सुमन सारस्वत हैं, और अभिलाष अवस्थी जी का नाम मेरे पास जो सूची है उसमें लिखा हुआ है। हालांकि मैं इन सभी से अच्छी तरीके से परिचित हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आदरणीय गोपाल शर्मा ने इन सभी को कहीं ना कहीं जिया है, समझा है, जाना है, और मुझसे बेहतर तरीके से भाई गोपाल शर्मा इनके बारे में बता सकते हैं। खासतौर से नौटियाल जी के बारे में बोलना हो तो अगर मौका मिल जाए तो गोपाल शर्मा किताबों पर किताबें लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा प्यार हो, झगड़ा हो, तकरार हो, हर तरह की चीज़ें गोपाल जी ने की हैं, और बाकी सब साथियों के साथ भी कहीं ना कहीं उनका लगाव, अंतरंगता लगातार रही है। और मुझे आज खुशी हो रही है कि हमारे बीच में प्रताप राव कदम जैसे व्यक्तित्व भी मौजूद हैं जो खंडवा में निवास करते हैं और साहित्य में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, और आज हमारे बीच में वो विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं सबका नाम ले सकता हूँ, लेकिन जब जब जैसे जैसे मौका मिलेगा, हरी मृदुल ऐसे मेरी तरफ मत देखो, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, मुझसे भी अच्छा लिखते हो। देखो झगड़ा मत लगाओ। क्योंकि हर रचनाकार अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन मैं कविताओं के मामले में हरी मृदुल को मुझसे श्रेष्ठ मानता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ हरी मृदुल है। भाई गोपाल शर्मा आए और अपना जो कुछ भी कहना है वो कहे। अरे ये बताएं, ऑडियंस भी बोल रहा है, थोड़ा ही बोलना भाई। पेंशन का आपने कम बोलने के लिए, ऑडियंस भी बोल दो, कम बोलने के लिए नहीं बोले आप। यहाँ हम जिन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं उन्हें कोई सम्मानित नहीं करता, उन्हें कोई सम्मानित नहीं करता। जिस बात के लिए आप सम्मानित कर रहे हैं उस बात की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। सबसे पहले हम विवेक अग्रवाल को सम्मानित कर रहे हैं। विवेक दिखाई नहीं दे रहे। विवेक अग्रवाल ने जो किताब लिखी है नहीं आई, हेलो ठीक। विवेक अग्रवाल ने जो किताब लिखी है आया, अच्छा
अंडरवर्ल्ड पर, अंडरवर्ल्ड पर तीन किताबें लिखी विवेक अग्रवाल ने, जो बहुत गहरे जाकर बम्बई का जायजा लेती है अंडरवर्ल्ड का। दूसरा अलका अग्रवाल सिगतिया, अलका अग्रवाल को इसलिए सम्मानित कर रहे हैं कि उसकी जैसी लेखन व्यंग और बहुत अच्छा चुट्टी का लेखन मुश्किल से मिलता है। और इसके अलावा कुसुम त्रिपाठी को सम्मानित कर रहे हैं हम। कुसुम त्रिपाठी को आप लोग नहीं जानते, कुसुम त्रिपाठी लेक्चरार रही हैं बहुत सारी जगह अभी भी पढ़ाती हैं, वर्धा में पढ़ाती हैं, यहाँ बहुत सारी जगह SNDT में पढ़ाती हैं, बहुत सारी जगह ऐसे विजिटर लेक्चरार रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी तरीके की स्त्री के उसमें करने वाली औरत हैं, और इसलिए उनका सम्मान हम कर रहे हैं। इसके अलावा अनुराग त्रिपाठी का सम्मान इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कोई पत्रकार है इसलिए नहीं कर रहे, पत्रकार है इसलिए नहीं कर रहे हम, पत्रकार नहीं, ऐसे पत्रकार हैं जो जरा से भी इधर से उधर हटते नहीं, पैसा हो कुछ हो फायदा हो देखते नहीं। इसके अलावा अनिल गलगली RTI के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। अनिल गलगली को मैं बहुत छोटे से थे अनिल गलगली तब से जानता हूँ, और तब से जानता हूँ मैं, जानता हूँ उनका जरा सा भी वो नहीं हुआ, जरा सा भी स्खलन नहीं हुआ, इधर गए नहीं, सीधी अपनी लाइन पर रहे। और वो बात पूछी चीफ मिनिस्टर से लेकर के सब लोगों को, वो बात पूछी कि लोगों की पानी पानी हो गए। इसके अलावा सुलभा कोरे शायद नहीं आई है, सुलभा कोरे का हम सम्मान करना चाहते थे। उन्होंने 72 मील नाम की जो किताब ट्रांसलेट की है, वैसे उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए, लेकिन 72 मील किताब के ऊपर ट्रांसलेशन करना बहुत ज्यादा भारी काम था, उनको हम इसलिए सम्मान करना चाहते थे। इसके अलावा अभिलाष अवस्थी को सम्मानित करते हैं हम। अभिलाष अवस्थी ऐसे आदमी है, बड़े अगला आवार किस्म के आदमी है, सुनिए नहीं हंसिए मत, आवार किस्म के आदमी। उस आवारगी में उसने क्या क्या नहीं खोया, क्या क्या नहीं पाया, इसलिए अभिलाष अवस्थी का सम्मान कर रहे हैं। और इसके अलावा सुमन सारस्वत का सम्मान कर रहे हैं, लेखिका बहुत अच्छी बहुत उभरती हुई लेखिका है। और इसके अलावा अब अंत में आता है नौटियाल जी का नाम। नौटियाल जी को हम इसलिए सम्मानित करते हैं कि नौटियाल जी की जो भाषा है, जो जिसने हिंदी पत्रकारिता से लेकर के हिंदी लेखन तक को तेवर दिया, उसलिए सम्मान कर रहे हैं। पहले भाषा लिखी जाती थी, नाना भांति मनाया किंतु वे नहीं माने, पहले भाषा लिखी जाती थी, प्रधानमंत्री का आगमन हेतु ये सब, इस तरह की भाषा बिल्कुल खत्म कर दी उन्होंने। ये भाषा आप जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो भाषा मसलन आलीशान और शानदार में कौन सा शब्द बेहतर होगा, लोगों की समझ में नहीं आएगा। आलीशान उन्होंने अरबी शब्द है, आलीशान हटा करके शानदार, मुझे ये सिखाया, बहुत सारे लोगों को सिखाया, और ब्रिटिश ने जो भाषा दी उस भाषा का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान हिंदी पत्रकारिता, हिंदी लेखन, हिंदी उसमें होगा। इसलिए नौटियाल जी ने बहुत सारे सम्मान लिए होंगे, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नौटियाल जी का ये सम्मान हम इसलिए कर रहे हैं कि उनकी भाषा से हम प्रभावित हैं, सारी दुनिया प्रभावित है, इसलिए नौटियाल जी का सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ आइए ना। धन्यवाद देती हूँ कि मुझे व्यंग लेखिका
आनंद जी आकाशवाणी में मिला थे और आनंद जी हमारे बहुत पुराने मुझे बहुत कम नाम आपका मेरे सम्मानित है तो अभिलाष जी को बहुत अक्सर ऐसा होता है कि लोग सम्मानित होने के बाद चले जाते हैं तो योजना ये बन रही थी कि सम्मान सबसे आखिर में किया जाए। विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि ये सारे के सारे सम्मानित लोग बड़े समझदार हैं, ये यहीं के यहीं टिके रहेंगे और पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही यहाँ से डगमगाएंगे। तो सम्मान का समारोह मध्य में रख लिया गया और मैं आज के हमारे अतिथियों को सम्मानित करने के लिए सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक दो संस्थाओं के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। परचम का बहुत पुराना इतिहास है, बहुत लंबे समय से बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहे हैं। बीच में डॉक्टर अशोक वाजपेयी के एकल काव्य पाठ का आयोजन किया गया, विष्णुनागर जी के काव्य पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया और भी योजनाएं तो बहुत हैं लेकिन बहुत सारी मुश्किलें होती हैं कार्यक्रम करने में और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती हैं इन बड़े रचनाकारों को खींचकर अपने सभागार तक लाने में। गोपाल जी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई कविता की बड़ी हस्ती हमारे बीच में आए और अपनी कविताओं को सुनाए। परचम का पूरा जिम्मा गोपाल जी के जिम्मे होता है और हम सब को जो आदेश मिलता है हमेशा हम गोपाल जी के साथ खड़े रहते हैं और सबसे बड़ा नाम उनके साथ हमेशा जो खड़ा नजर आता है, हालांकि गालियां भी उनको बहुत उन्हीं से मिलती हैं, उनका नाम है अमर त्रिपाठी। आज अमर त्रिपाठी यहाँ मौजूद हैं लेकिन वो गोपाल जी के प्रतिनिधि तो हैं ही, परंतु यहाँ वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्टोरी मिरर का। तो ये दो आयोजक हैं और इन दोनों आयोजकों से मेरा निवेदन है कि जो मंच पर हमारे सम्माननीय अतिथि बैठे हुए हैं उनको पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करने की कृपा करें। आप आए और सबसे पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष नंद किशोर नौटियाल जी को पुष्प गुच्छ दें। सर कैसे मुझे बताइए, मैं तो भूल गया। और ये पुष्पगुच्छ सम्मानित अतिथि का पुष्पगुच्छ है, उसके बाद एक और पुष्पगुच्छ होगा, एक और सम्मान होगा, एक और शॉल होगा, वो विशेष सम्मान के लिए होगा। आइए गोपाल जी, आइए सर, और आज इसके हाथ में कैमरा नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है, क्यों है वो बाद में बताऊंगा। ये ले लिया ना आपने, इसमें से क्या लेना है, ये ले अभी ले जाओ। काव्य पाठ के लिए हमारे बीच में राकेश श्रीमाल जी मौजूद हैं जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कोलकाता की पत्रिका के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वर्धा में थे और उससे पहले मुंबई में ही लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया, जनसत्ता में इन्होंने सेवाएं दी, हम सबके पुराने साथी हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अमर जी से और गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि भाई राकेश जी को भी सम्मानित करें। राकेश जी का कौन लेगा? ये पहले से तयशुदा है क्या? ये तो फिक्सिंग है। कैमरे का फ्रेम बहुत तकलीफ देता है। आई अनुराग जी, मैं ठीक हूँ ना कैमरे में? हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे बीच में राजम नटराजम जी यहाँ मौजूद हैं और मैं विशेष आग्रह करूँगा कि हमारे मंच पे बैठी हुई अलका जी को सम्मानित करें। राजम जी
फोटो में आइए, फोटो में। थोड़ा खुश होइए। बहुत बहुत आभार। और मंचस्थ आदरणीय मोहता जी के सम्मान के लिए एक बार फिर मैं आवाज दे रहा हूँ, जिनको बड़ी मुश्किल से मेरी आवाज सुनाई देती है, ऐसे गोपाल शर्मा जी को और अमर त्रिपाठी जी को, के आए और सम्मानित करें। बार बार बैठो, खड़े रहो वहीं पे। अरे आपकी किताब छापने वाले हैं। अब सम्मान की प्रक्रिया शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं। सबसे मुश्किल काम होता है सूचना के अधिकार को उसी तरीके से ईमानदारी से निभाते जाने का। सबसे पहले तो ये सूचना खुद इकट्ठी करनी होती है कि कहाँ गलत चल रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ घोटाले हो रहे हैं, और उसके बाद एक प्रारूप बना करके, मशक्कत करके, पैसा भर के, इंतजार करते हुए इंतजार करना होता है कि कब सूचना आएगी। और लंबे समय से जब जिनको अनिल गलगली एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको मैं मुंबई में शुरुआती दौर से देख रहा हूँ, हम लोग साथ में काम करते थे, लंबे समय तक वो पत्रकारिता करते रहे और अचानक मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट बन चुके हैं। और आज मुझे अच्छा लग रहा है उनको बुलाते हुए कि आए और आदरणीय मोहता जी से और राकेश श्रीमाल से मैं निवेदन करता हूँ कि भाई अनिल गलगली जी का स्वागत करें, सम्मान करें और आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। कहते हैं सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा साथी भी है जो बहुत अनमोल है। बहुत सारे समाचार पत्रों में काम किया, अलग अलग चैनल्स में काम किया, बड़े बड़े पदों पे काम किया, माफिया के आताओं के साथ भी काम किया। कई बार इनके पास ऐसी सूचनाएं होती हैं जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के पास भी नहीं होती है, पता नहीं कहाँ से जुड़ा के ले आते हैं। और तीन किताबें इनकी आ चुकी हैं अंडरवर्ल्ड पर। हमको बहुत अच्छा लगता है विवेक अग्रवाल को ऊंचाइयां छूते हुए देखना। मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय विवेक भाई को कि आए और राकेश जी और मोहता जी एक बार फिर से हमारे विवेक अग्रवाल जी को सम्मानित करते हुए। राकेश शर्मा एक ऐसा नाम है जिसको देखने के बाद लगता नहीं कि ये कविताएं लिख लेते होंगे, लेकिन जब ये मंच पे आते हैं और सुनाना शुरू करते हैं तो मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इतने सरल व्यक्तित्व, कोई बनावट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ काम में लगे रहना उनका मकसद होता है। जब भी कभी कोई पत्रिका प्रकाशित करनी हो, किसी लेखक को किताब प्रकाशित करनी हो और कहीं फंस गया हो जिसका काम नहीं हो रहा हो, तो इसे मुंबई शहर में एक ही नाम याद आता है और वो नाम होता है राकेश शर्मा जी का। भाई राकेश शर्मा जी को आज हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी आए और मोहता जी और श्रीमाली जी उनको सम्मानित करें। तुम्हारा कोई फ्लोर नहीं है।
पत्रकारिता में लंबे समय तक योगदान करते रहे। गोपाल जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया था कि बहुत कुछ खो दिया। नौटियाल जी ने बोला कि जो कुछ पाया था वो भी खो दिया, उसके पास बचा ही क्या है। ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास अनुभव का खजाना है, संपर्कों का इतना बड़ा विकिपीडिया उनके पास है, एनसाइक्लोपीडिया उनके पास है कि जिसका नंबर चाहिए, कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का नेता हो, दिल्ली का नेता हो, मुंबई का नेता हो, गली का नेता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सूत्र चाहिए तो वो आप एक फोन कर लीजिए। उस व्यक्तित्व का नाम है अभिलाष अवस्थी। और मैं निवेदन करता हूँ, खोया पाया विभाग से अभी अभी छूटकर आए हुए हमारे आदरणीय अभिलाष अवस्थी जी, हम सबके अपने हैं, हम सबके मित्र हैं, बहुत ही हसमुख व्यक्तित्व, बहुत ही रचनात्मक। स्वीकार किया अलका जी ने कि अगर अभिलाष जी ने प्रेरणा दी तो अलका जी लगातार लिखने लगी। ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करते हुए गंभीर समाचार का ये मंच, परचम का ये मंच, स्टोरी मेरे का ये मंच खुद को सम्मानित महसूस करता है। धन्यवाद अभिलाष अवस्थी जी। इस शहर की पत्रकारिता में से अगर फिलहाल एक नाम को हम माइनस कर दें तो एक